मेरा नाम आज़ाद सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला अमरोहा का रहने वाला हूँ। मैंने स्पीच थेरेपी लगभग एक महीने पहले शुरू की थी। जब मैंने शुरू की थी मुझे बहुत सारी दिक्कतें थीं। उनमें से सबसे पहली थी, मैं बोलते हुए मेरा गला चोक्ड हो जाता था, मुझसे बोला ज़्यादा जाता नहीं था और यहाँ पर ऐसा एहसास होता था कि मुझसे अब बोला ही नहीं जाएगा, दैट आई कैन नॉट स्पीक। डायफ्राम भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता था बोलते टाइम, और बहुत मुख्य प्रॉब्लम यह आती थी कि मुझसे अपना नाम बोलने में बहुत दिक्कत होती थी। इसलिए मैं कभी कभी, जहाँ मेरे नाम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, मैं वहाँ पर किसी दूसरे नाम का इस्तेमाल कर लेता था। दिक्कत धीरे धीरे टाइम के साथ साथ बढ़ गई थी। जैसे स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि प्रॉब्लम कम है, फिर उसके बाद एक फेज़ ऐसा आया जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई, फिर उसके बाद एक फेज़ ऐसा आया जब प्रॉब्लम कम हो गई। तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं थी और प्रॉब्लम बार बार कभी कम कभी ज़्यादा हो रही थी। मैंने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, जैसे मेडिकेशन ट्राई किया, योगा भी ट्राई किया और एक्यूपंक्चर भी ट्राई किया। उनसे मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ हुआ और मैं पहले से कुछ बेहतर हुआ था, लेकिन फुल रिलीफ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मैं बहुत बार, अगर मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ और अगर मैंने वो समराइज़ कर ली तो शायद मैं उसको सही बोल सकता था, लेकिन स्पॉन्टेनियस बोलने में बहुत दिक्कत आती थी। बहुत बार मेरा मुंह खुल जाता था लेकिन वर्ड नहीं निकलता था। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट प्रॉब्लम। अब जैसा कि मैंने थेरेपी का एक महीना मेरा पूरा होने वाला है, मैं अपने आप में बहुत सारे चेंज देख रहा हूँ। सबसे पहला तो ये, अब मुझे शॉर्ट ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम नहीं होती। मेरा ब्रेथ अब पूरे टाइम चल सकता है और मैं ब्रेथ को रेगुलेट कर रहा हूँ, ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी। फिर उसके बाद जैसे कि जो भी एक्सरसाइजेज हैं उनसे जो मेरा गला चौकड़ हो जाता था और डायफ्राम भारी हो जाता था कुछ टाइम के बाद, मुझे वो दिक्कत भी नहीं है। अब अगर मैं जब बोलता हूँ तो मैं आर्टिकुलेट करता हूँ ब्रेथ को छोड़ने के बाद, क्योंकि सर ने मुझे बताया कि अगर हम ब्रेथ को छोड़ते हैं नई ब्रेथ फिर अपने आप आ जाती है। दिस वॉज वन ऑफ द थिंग। और आजकल मैं अपने नाम को बोलने के अंदर शर्माता नहीं हूँ। शर्माना मतलब मुझे हेजिटेशन नहीं होती। आजकल मैं ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करता हूँ कि मैं अपना नाम बोलूँ। मैं और दूसरों के पास जाकर ज़्यादा बात करने की कोशिश करता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मैं उनसे इंटरेक्ट करूँ। आजकल मैं इंटरेक्शन करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढता रहता हूँ। और सबसे बड़ा बदलाव मुझे अपने कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर लग रहा है। पहले जब मुझे कुछ बोलना होता था मैं कई बार सोचता था, उसको बहुत ज़्यादा सोच लेता था तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता था। आजकल मुझे इतना सोचना नहीं पड़ रहा और वर्ड्स मेरे स्पॉन्टेनियस निकल आते हैं। अभी मुझे धीरे धीरे लग रहा है कि मैं एक अच्छा ओरेटर बनने की ओर जा रहा हूँ और मेरे बोलने का स्टाइल अट्रैक्टिव और इलोक्वेंट लग रहा है मुझे। थैंक यू।